यार राहुल, ईशा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। श्वेता, पता है कब से फ्रेंडशिप है हमारी? सिर्फ हमारी नहीं, हमारे पेरेंट्स की भी फ्रेंडशिप है। पता है, स्कूल ट्रिप से लेके फैमिली हॉलीडेज तक, फेवरेट मूवी से लेकर डांस कॉम्पिटिशन तक, हमने सब कुछ साथ में ही किया। नर्सरी से जानते हैं हम एक दूसरे को। यार शू लेसेस भी हमने साथ में बांधना सीखा था। हाउ कैन आई नॉट टेल हिम माय फीलिंग्स? मुझे तो लगता है वो भी मेरे लिए फील करता है। मैं तो उसे बता रहा हूँ। अरे भाई, फ्रेंडशिप क्यों खराब होगी? वो समझेगी ना मेरी फीलिंग्स को। वो हमेशा मेरी फीलिंग्स समझता है। आई एम टेलिंग हिम कि वो सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड ही नहीं, मेरा फर्स्ट लव भी है। माय फर्स्ट लव। हाय। वो तुझे कुछ बोलना। अरे बोलना। नहीं नहीं, तू बोल। वो एक्चुअली मुझे ये बोलना था। आई थिंक, मतलब आई एम फीलिंग कि आई एम इन लव विद श्रेया। श्रेया, वो जो नई लड़की आई है हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लास में, वो श्रेया जो अपने आप को सुपीरियर समझती है क्योंकि वो मिलिट्री फैमिली से है, वो श्रेया जिसकी मम्मी हर जगह आ जाती है, वो श्रेया जो जिसे पहले दिन ही आके शहबाज की शिकायत प्रोफेसर से कर दी थी। यार शहबाज उसे तंग कर रहा था, शिकायत तो करनी थी ना। शिकायत ही टट्टू है वो, तू नहीं तो कहा था। कम ऑन यार, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में क्या सोचती है ये बहुत मैटर करता है। क्या गर्लफ्रेंड? हाँ, बन जाएगी जब मैं उसे प्रपोज करूंगा। अंकित कह रहा था कि शायद वो भी मुझे लाइक करती है। तू खुश नहीं है क्या? हाँ हूँ। अच्छा अच्छा, कुछ कह रही थी? कुछ नहीं। अरे बोल ना। वो पापा ने ना लड्डू भेजे तेरे लिए। वाओ, मैं ये श्रेया के साथ शेयर करूंगा। खाना शेयर करने से प्यार बढ़ता है। प्रॉब्लम है? नहीं, पर ना मेरे पापा के दिए हुए लड्डू शेयर, इसलिए तो बनाया उन्होंने। Whatever to you. Seriously, तू श्रेया को मेरे घर बुला के प्रपोज करना चाहता है? हाँ, इससे अच्छी जगह हो ही नहीं सकती है। तेरे मॉम डैड ऑफिस गए हुए हैं, मेरी मॉम सास बहू के सीरियल देख रही होंगी और मैं हमेशा की तरह यहाँ होमवर्क कर रहा हूँ। किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। किसी को कुछ यही नहीं चलेगा। यार दोस्त नहीं है क्या? और मैंने श्रेया को यहाँ बुला लिया है। What? कुछ भी ना, कुछ भी। आओ जाओ जाओ, सुनो सुनो, सेटअप भी करना है। अब प्रपोज कर रहा हूँ तो थोड़े फ्लावर्स और थोड़े बलून्स भी होने चाहिए ना। पागल है क्या? अगर मैं तुझे प्रपोज करता तो तुझे अच्छा नहीं लगता क्या ऐसा रोमांटिक सेटअप हो? हुँ? प्लीज 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 हेल्प कर दे। श्रेया यहाँ हाफ एन आवर में आ जाएगी, प्लीज हेल्प कर दे मेरी, प्लीज। फाइन फाइन, जा जी ले अपनी जिंदगी। यस, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। थैंक यू। ये शी इज लेट। व्हाट इफ अगर मैं उसे अच्छा नहीं लगता हूँ तो? व्हाट इफ ये सब देख के वो हंस दे? What if उसका पहले से कोई बॉयफ्रेंड हो? What if you loved me? पागल, सुन, देख, श्रेया का ना दिमाग खराब होगा अगर उसे तेरे जैसा लड़का पसंद नहीं आया। तू बेस्ट है, तेरे जैसा कोई है ही नहीं। और तू ना इन छोटी छोटी बातों पे परेशान होना बंद कर दे सैम बाबू। बहुत मजेदार रहा तो और भी बड़ी और बेहतर प्रॉब्लम्स मिलेंगी दुनिया में। You are the best. सच में मुझे तुझसे प्यार कर लेना चाहिए था। Life एकदम मस्त हो जाती। Best love story. Friendship to love with ease. क्या हुआ? वो मुझे ना एक्चुअली मुझे तुझसे कुछ कहना था। बोल ना। वो वो आ गई।
ये मेरी मॉम है, मुझे अकेला नहीं भेजना चाहती थी। मैं इस घर में पहली बार आ रही हूँ ना। नमस्ते आंटी, प्लीज आइए ना। अब नमस्ते आंटी, आप कुछ लेंगे, पानी, चाय या ठंडा? वो मॉम कह रही है कि वो पानी लेंगी, वो बोलती नहीं है। सॉरी, बेचारी गूंगी है। नहीं नहीं, वो मौन रखते हैं पिछले 7 साल से। 7 साल 7 महीने और 9 दिन। वो मौन पूछ रहे हैं कि ये सब क्या है। वो ईशा बताना, वो सैम तू ही बताना। मैं हाँ, वो ईशा का हैप्पी बर्थडे है ना। हैप्पी बर्थडे टू यू। रियली हैप्पी बर्थडे ईशा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया सैम, मैं कुछ गिफ्ट लेकर आती। वो मॉम पूछ रही है कि बर्थडे है तो केक कहाँ है। केक? हाँ सैम, केक कहाँ है? अब मैं अपने बर्थडे केक खुद ही लेके आऊंगी क्या? वो श्रेया केक ना। वो मॉम कह रही है कि कैसी पार्टी है, ना ही कोई आया और ना ही केक है। वो आंटी, एक्चुअली ना हम असल पार्टी तो कॉलेज में करेंगे, ये तो बस ऐसे ही है, सामने सरप्राइज दे दिया। श्रेया, थैंक्स फॉर कमिंग। एक्चुअली मुझे समझ में आ गया है। तुम मुझे लाइक करते हो ना, इसीलिए तुमने मेरे लिए ये सब किया। Why? But मैं किसी और को लाइक करती हूँ। सॉरी। अरे श्रेया को बाहर में जाने दे, मुझे तो वो वैसे भी अच्छी नहीं लगती थी। तुझे कोई और मिल जाएगी, डोंट वरी। प्लीज लीव मी अलोन, तुझे क्या पता वन साइडेड लव का दर्द। आई अंडरस्टैंड वन साइडेड लव सैम।